मोदी की मिमिक्री कर बुरे फंसे श्याम रंगीला, भरना पड़ा 11,000 रुपए का जुर्माना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री कर फेमस हुए कॉमेडियन और आप नेता श्याम रंगीला एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं, जहां उन्हें पीएम मोदी की नकल करना इस बार भारी पड़ गया है। मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी की तरह कपड़े पहनकर जयपुर के झालाना तेंदुआ रिजर्व में कॉमेडी वीडियो बनाने पर रंगीला को वन विभाग की तरफ से नोटिस मिला है, जिसके बाद उन पर 11,000 रुपए का जुर्माना लगा है। बताया जा रहा है कि रंगीला वीडियो बनाने के दौरान रिजर्व में एक नील गाय को हाथों से खाना खिला रहे थे, जिसके बाद वन अधिकारियों ने रंगीला को नोटिस थमाए हैं। आपको बता दें कि रंगीला पीएम मोदी के जंगल सफारी जैसा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान नील गाय को खाना खिलाने से उन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन कर दिया। इसके बाद नोटिस मिलने पर सोमवार को श्याम रंगीला ने क्षेत्रीय वन अधिकारी के कार्यालय में जाकर जुर्माना भरा। श्याम रंगीला को मिले नोटिस के बाद सोशल मीडिया पर चौथी पास राजा भी ट्रेंड कर रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ट्वीट किया, एक युवा ने राजा की तरह कपड़े पहन लिए, फिर क्या था, चौथी पास राजा आग बबूला हो गया, उसने युवा पर एफआईआर कर दी। पुष्पराज यादव नाम के एक शख्स ने कहा, नील गाय को हाथ से खाना खिलाना अपराध है और वीडियो शूट कर बाकी लोगों को प्रेरित करना और बड़ा अपराध है, इसलिए 11,000 का जुर्माना भरना पड़ा भाई श्याम रंगीले को। तो सवाल ये है कि एक वीडियो शूट से प्रेरित होकर कुछ लोग 5 साल से नाले में पाइप डालकर गैस आने का इंतजार कर रहे हैं, उनका क्या करना है। नितिन नाम के एक यूजर ने ट्वीट किया, ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी रंगीला ने जिस पेट्रोल पंप पर वीडियो बनाया था उस पेट्रोल पंप को पेट्रोल देना ही बंद कर दिया था ऑयल कंपनियों ने। दरअसल मिमिक्री कलाकार श्याम रंगीला पीएम मोदी के कर्नाटक के मुदुमलाई और बांदीपुर टाइगर रिजर्व के दौरे जैसी एक वीडियो बनाने के लिए 13 अप्रैल को जयपुर के झालाना जंगल पहुंचे, जहां वीडियो शूट करने के दौरान अपने हाथ से वन्य प्राणी नील गाय को कुछ खाने के लिए दिया, जो कि वन अधिनियम 1953 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के नियमों के तहत उल्लंघन होता है। रंगीला को वन विभाग की ओर से नोटिस मिलने के बाद उन्होंने कार्यालय में पेश होकर अपने कृत्य को मानवीय भूल बताते हुए माफी मांगी। वहीं वन विभाग की तरफ से उन्हें कभी भी वन्य जीवों को इस तरह से कुछ नहीं खिलाने की चेतावनी दी गई है। मालूम होगा श्याम रंगीला ने बीते दिनों आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। वहीं इससे पहले वो प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत सहित कई नेताओं पर कॉमेडी वीडियो बना चुके हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम वायरल खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें।